एक बड़ा मूव आते हुए देखने को मिलेगा। स्टॉक है अनिल जी जेएसएल हिसार 175-176 रुपए का अनिल जी करंट भाव है। स्टॉक ने अनिल जी अपना एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद, एक हफ्ते की लगभग कंसोलिडेशन के बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था 165-170 रुपए को, उसको पार किया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ यहां पर आज हमने ये ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। मुझे लगता है अनिल जी ये 200 रुपए के लिए स्टॉक तैयार है। यहाँ पर 200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए जेएसएल हिसार में खरीदारी की राय है। 172 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में खरीदारी करके चला जा सकता है। ये है एक स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी। दूसरा स्टॉक हिमांशु जी, दूसरा स्टॉक भी कोइंसिडेंटली स्टील सेक्टर से ही है, स्टील स्टॉक ही है, लेकिन वो एफएनओ का स्टॉक है और दीपांशु स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। हमने आज दीपांशु बहुत ही अच्छी रनअप ऑलमोस्ट सारे स्टील स्टॉक्स में आते हुए देखी, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील में सुबह से अभी तक जो जो रैली है वो रिलेटिवली उतनी नहीं देखने को मिली है, क्योंकि 750 पर जो कॉल राइटर था वो सुबह से काफी एक्टिव था, लेकिन ग्रेजुअली मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ पर जो 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 कॉल राइटर है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग होते हुए इस लेवल पे देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में भी अब यहाँ पर एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदारी की राय है। 775 रुपए से 780 रुपए तक के टारगेट्स फ्यूचर्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 744 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की राय। देखिए सबसे पहले तो एचडीएफसी लिमिटेड कुछ मिनटों पहले इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतर है। मुनाफा 2,225 करोड़ से बढ़कर 3,180 करोड़ पे आया है। एनआईएम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने 23 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है और के मिश्री जी को 3 साल के लिए दोबारा एमडी नियुक्त किया गया है, तो काफी सारे डेवलपमेंट भी है और नतीजे भी अच्छे हैं। इसके अलावा खबर कॉनकॉर में जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि शिपिंग मंत्री जो है वो उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी और इस कंपनी के विनिवेश के ऊपर विचार किया जाने वाला है जल्द से जल्द, और काफी सारी बड़ी कंपनियां जो है इस कंपनी में खरीदारी के लिए दिलचस्पी रख रही है, तो ये इस कंपनी पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा न्यूज वायर के हवाले से ये खबर आई है कि स्पुटनिक 5 की जो वैक्सीन है उसको उसके रोल आउट के लिए आज फैसला जो है वो लिया जा सकता है, तो डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर जो है वहाँ पे आपको नजर रखनी है। टाटा मोटर्स, यहाँ खबर यह है कि पैसेंजर व्हीकल की कीमतें इस कंपनी ने बढ़ा दी है। 8 मई से कीमतें बढ़ाई गई है। 1.8% के आसपास पैसेंजर व्हीकल जो है उनकी एवरेज कीमत बढ़ाई गई है। हालांकि 7 मई तक जिन्होंने बुकिंग की है उन पे यह लागू नहीं होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील जेएफई स्टील के साथ ये करार पे जेवी पे विचार कर रहे हैं। फिलहाल फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील शीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जेवी के लिए बातचीत कर रहे हैं। वहीं रेलटेल इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 12 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हिरंबा इंडस्ट्रीज, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि आदित्य बिरला फाइनेंस को इन्होंने 35 करोड़ का जो टर्म लोन है इसकी एक सब्सिडरी है उसने फिर से चुका दिया है। आर सिस्टम्स के नतीजे आए, कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ रेवेन्यूज तो हल्के फुल्के बढ़े हैं, मार्जिन गिरा है 16% से गिर के 12.4% और मुनाफा 15% गिरा है क्यूओक्यू नतीजे में कह रहा हूँ आपको। और स्टील स्ट्रिप मिल्स यहाँ पे नतीजे अच्छे आए हैं। 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 45 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है। मार्जिन 8% से बढ़कर 12.3% पे आए हैं। टाटा स्टील वैसे भी अच्छा चमक रहा है, 15 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है इस काउंटर में और पीएनबी 47 लाख शेयर्स के बड़े सौदे इस काउंटर पे भी हुए हैं। दीपांशु, मेरे पास 2-3 कॉल्स हैं और थोड़ा सा लेट भी हो गया कि मैंने मैसेज किया था, तो आई थिंक बाकी कॉल चल रही थी। एक तो आई थिंक हिमांशु ने कवर किया है जेएसडब्ल्यू स्टील। अभी अभी हमने अपने क्लाइंट्स को कॉल दी थी 752-53 पर और 735 के स्टॉप लॉस से 785 का रेट, और अभी वो हिमांशु ने कवर किया और उसके बाद भी 5-7 रुपए का मूव आया है। लेकिन मुझे लगता है कि मेटल्स की जो मतलब फार्मा वाली क्रांति है वो चलती रहेगी। और अभी अनिल जी ने एक चीज बोली थी कि वो सेल के रिजल्ट्स में दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, तो ऐसे ही जो उंगली दबाने वाला एक और स्टॉक है, चाहे वो 10% बढ़ चुका है, लेकिन वो है नेशनल एल्युमिनियम, नालको। मुझे लगता है कि दीपांशु अगले हफ्ते जो रिजल्ट आएंगे, जो अनिल जी ने पूछा बोला कि दांतों तले उंगलियां दबाने वाले, वो वैसे ही रिजल्ट आएंगे इसके अंदर भी जो बाकी मेटल कंपनी के, मतलब बंपर तो आने हैं, बंपर से भी जब सुपर बंपर आएंगे तो उस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो नालको में भी खरीदारी करनी है। ये दोनों स्टॉक बाय कॉल के हैं।